hey everyone this is Mukesh well today in this video we are going to learn interrogative sentences how can we change active voice into passive voice in interrogative sentences of past continuous tense want to know this please watch this video till end and before going further please subscribe my channel and hit the bell icon so that you'll get my every notification on charm you're watching mukesh 3 class here we learn english through hindi so without wasting any charm let's get started today's lesson first of all we are going to talk about how can we identify interrogative sentence you can also say interrogative sentence इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंटारोगेटिव सेंटेंस आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं दोनों ही करेक्ट है आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं तो सही है हम लोग आइए बात करते हैं किस तरह से पहचानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पास्ट टेंस में पहले हम लोग ये जान लेते हैं ग्रामर के परपज से कि ग्रामर के परपज से हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को तो सही है यदि आपको स्टार्टिंग में किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में वॉज वर दिख जाए उसके बाद कोई सब्जेक्ट हो आई वी यू दे ही सीट,

Can और could का यूज पढ़ाया जा रहा था कौन पढ़ा रहा है ये पता नहीं जब ऑब्जेक्ट में इट मीज वर्क में फोकस किया जाता हो केवल काम के बारे में बताया जाता हो तो उसे हम लोग पेशी कहते हैं आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे एक एग्जाम्पल और सुनिए आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे क्या तुम टीवी देख रहे थे क्या तुम टीवी देख रहे थे यहाँ पर देखने वाला कौन कौन देखने वाला तुम तो ये हुआ हमारा तो देखने वाला कौन यहाँ पर सिर्फ बता, बताया जा रहा है कि टीवी देखा जा रहा था कौन देख रहा है ये मालूम नहीं है तो ये हमारा पेशी वॉयस का सेंटेंस है तो सही है आइए हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले की फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोट नो अबाउट दूसरे

करने वाले को जिक्र नहीं होता है बाय करके राइट कर भी सकते हैं लेकिन वो नहीं स्पोकन के तौर पर वो राइट नहीं किया जाता है यदि जब आप रिटेन राइट करते हैं कोई टेस्ट देते हैं तो वहां पर बाय दे के राइट कर सकते हैं तो सही है पर आप जानते हैं पेसी वॉइस के फॉर्मुले के बारे में वो वर्ग को राइट करने के बाद ऑब्जेक्ट राइट करेंगे सेकेंड नंबर में सेंटेंस में जो भी मेन ऑब्जेक्ट होगा उसी को राइट कर देंगे सेकेंड नंबर में तो सही है और थर्ड नंबर में राइट करेंगे बींग अब ये बींग क्यों आया जब भी आपको भी एक्टिव वॉइस में वी फोर दिख जाए जेरन फॉर्म दिख जाए आई फॉर्म दिख जाए तो आपको क्या करना होगा उससे पहले बिंग लगाना होगा पेसी फॉर्म में और बिंग और थर्ड नंबर में बिंग राइट कर दिए उसके बाद क्या राइट करेंगे उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्योंकि पेसी वॉइस किसी का भी हो मोडल्स का हो या हेल्पिंग वर्ब हो या टेंस का हो किसी का भी हो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट किया जाता है तो सही है उसके बाद लास्ट में क्या राइट करेंगे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा बाय ओ सी में इट मीन दैट ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह से आई चेंज होगा बाय मी में वी चेंज होगा बाय अस में यू चेंज होगा by u में change ही चेंज होगा by h में c चेंज होगा by हर में d चेंज होगा by d में और नाउन कोई भी नाउन आए उसको चेंज नहीं करेंगे नो no चेंज बजा गया हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं ढेर सारा और अपने सारे डाउट्स को दूर करते हैं इसमें हम लोग कमाल कमाल के रूल सीखने वाले हैं जो आपको आसानी से कहीं कोचिंग में नहीं मिलते होंगे या किसी बुक में नहीं मिलते होंगे मैं आपके सारे डाउट्स दूर कर दूंगा तो सही है आइए हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं क्या वे लोग क्लासरूम में मोबाइल चला रहे थे क्या वे लोग क्लासरूम में मोबाइल चला रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए सीखेंगे वो किस तरह से एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते रहिए क्या राइट करेंगे वो या वर राइट करेंगे पहला नंबर में फर्स्ट नंबर में वॉज लगाइए वर लगाई अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट है वे लोग वे लोग को दे बोलते हैं दे प्लुरल है बहुत एक से ज्यादा लोग है इसीलिए यहाँ पर वर लगेगा जब प्लुरल होता है तो वर लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वॉब वॉज लगता है वॉज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वॉब है और वर हमारा प्लुरल हेल्पिंग वॉब है तो सही है सबसे पहले राइट करेंगे वर वर को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे वे लोग वे लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दे बोलते हैं दे राइट कर देंगे और थर्ड नंबर में क्या राइट करेंगे वीफोर, वीफोर क्या है चला रहे थे चला रहे थे ज़िम्मेदार चलाना चलाना को यूज़ बोलते हैं और ऑपरेट भी बोलते हैं दोनों में से आप कोई भी राइड कर सकते हैं तो सही है हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं यूज यूज ही कर लेंगे चलिए सिंपल वर्ड है यूज कर लेते हैं यूज ऑपरेट भी आप राइड कर सकते हैं यहां पर हम लोग यूज करेंगे यूज यूज का भी क्या होगा यूजिंग होगा यदि ऑपरेटिंग लिखेंगे तो ऑपरेटिंग हो जाएगा ऑपरेट राइड करेंगे तो ऑपरेटिंग या यूजिंग दोनों में आप लोग को यहां राइड कर देता हूं उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा ऑब्जेक्ट बचा मोबाइल मोबाइल को क्या बोलेंगे यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग वे लोग चला रहे थे मतलब उन लोग सभी के पास मोबाइल होगा तो यहाँ पर मोबाइल्स राइड करेंगे द मोबाइल्स द मोबाइल्स का चला रहे थे क्लासरूम में क्या बोलेंगे इन द क्लासरूम इन द क्लासरूम एक्टिव वॉइस का हमारा सेंटेंस इजीली से डन हो चुका है सेंटेंस क्या बना वर दे ऑपरेटिंग या वर दे यूजिंग द मोबाइल्स इन द क्लासरूम लास्ट में क्वेश्चन मार्क राइट करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा आइए हम लोग इसको चेंज करते हैं पेशी वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाए कुछ नहीं करना होगा सबसे पहले वो या वर्ड राइट करेंगे किसके अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है ऑब्जेक्ट कैसे पता करे you, मैं हूँ चिंता करने की क्या बात है मैं आप लोग को बता रहा हूँ आसान और मजेदार ट्रिक मेन वर्ब सेंटेंस में कौन है सेंटेंस है ऑपरेटिंग यूजिंग दोनों में से कोई एक ही राइट करना है ऑपरेटिंग के बाद या यूजिंग के बाद कौन सा वर्ड आया है द मोबाइल्स द मोबाइल्स द मोबाइल्स हमारा प्लुरल है यदि यह सिंगुलर रहता तो वो राइट करते प्लुरल है इसीलिए यहाँ पर वर राइट करेंगे तो सही है सबसे पहले राइट करेंगे वर वर को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे द मोबाइल्स द मोबाइल्स को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे बींग राइड करेंगे स्ट्रेक्चर देखते रहिए थर्ड नंबर में बींग राइट करना है तो सही है बींग राइट कर दिया उसके बाद क्या राइट करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है ऑपरेटिंग या यूजिंग दोनों का क्या राइट करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करेंगे यदि यूज लिखिएगा तो यूज का भी थ्री क्या होता है यूज होता है और ऑपरेट का भी थ्री क्या होगा ऑपरेटेड होगा ऑपरेटेड ऑपरेटेड ऑपरेटिंग ऑपरेट्स तो यहाँ पर सही है ऑपरेटेड या यूज में दोनों में से कोई एक राइट करेंगे मैं यहाँ पर दोनों ही राइट कर देता हूँ आपको जो पसंद हो वो राइट कर दीजिए उसके बाद अब मेन बात आती है मेन वर्ब के बाद इट मींस दैट जो पैसिव वॉइस हमारा है, है उसके बाद क्या राइट करेंगे बाय देकर राइट कर दे नहीं नहीं यहाँ पर रुक जाइए यहाँ पर और भी ऑब्जेक्ट है इन द क्लासरूम जो सेंटेंस यहां पर मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए मेन वर्ब के बाद v3 के बाद एक्टिव वॉइस का जो भी अदर पार्ट बच चुका है उन सभी पार्ट्स को मेन मेनबर्व के बाद भी थ्री के बाद राइट कर देंगे तो सही है क्या राइट करेंगे भी के बाद इन द क्लासरूम तो इन द क्लासरूम को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे आपको लगता होगा दे को चेंज कर देंगे बाय डैम में नहीं यहाँ पर रुक जाइए लॉजिक समझिए लॉजिक नहीं यहाँ पर रूल समझिए जब भी दे आता एज अ सब्जेक्ट उसको बाय डैम करके राइट नहीं किया जाता है ये रूल्स है ओके फ्रेंड्स आप इसको राइट नहीं कर सकते हैं यदि आपका मन है तो राइट कर दीजिए बट ये ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट हो जाएगा जब भी बाय दे, दे आता है तो वो बाय डैम करके राइट नहीं किया जाता है फिर आप कहेंगे सर बहुत जगह तो राइट किया रहता है ये आपकी मर्जी है वहाँ पर राइट कर भी सकते हैं लेकिन आप नहीं राइट कीजिए तो वहाँ पर अंडरस्टूड ही है क्योंकि जो क्लासरूम रूम में स्टूडेंट ही होगा उसके बारे में पहले से ही जानता है तो वो राइट नहीं किया जाता मैं आप लोगों को यहाँ रूल बता दिया हूँ आप राइट कर भी सकते हैं नहीं भी राइट कर सकते हैं आपको जैसा अच्छा लगे लेकिन ग्रामेटिकली आप राइट नहीं करना होता है तो सही है ये सेंटेंस भी हमारा कम्प्लीट चुका है क्या बाय देम भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते चलिए हम अपने लगा देता हूँ लेकिन आप नहीं राइट कीजिए तो सही है आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि क्या बना हमारा पेशी वॉइस का सेंटेंस वर द मोबाइल्स बींग यूज इन द क्लास रूम बाय दैम वर द मोबाइल्स बींग ऑपरेटेड इन द क्लास रूम बाय दैम दैम नहीं बिराइड कर सकते आइए सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं वॉच सी प्लेइंग कबड्डी वॉच सी प्लेइंग कबड्डी इसको पेशी में किस तरह से बनाएंगे सबसे पहले वॉच या वर में से कोई राइट करेंगे वॉच लगाइए वर ऑब्जेक्ट पता करेंगे प्लेइंग कबड्डी कबड्डी हमारा क्या है ऑफ सिंगुलर है या प्लुरल है ऑब कबड्डी हमारा सिंगुलर है इसीलिए पर वॉज राइट करेंगे पहले वॉच को राइट करने के बाद सेकंड नंबर पर राइट करेंगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कबड्डी वॉच कबड्डी द भी लगा सकते हैं खुजली हो रहा है तो लगा दीजिए चलिए यहां पर हम लोग द नहीं लगाते हैं वॉच कबड्डी अब थर्ड नंबर में

तो सही है हमारा सेंटेंस क्या बना वॉज कबड्डी बींग प्लेड बाय हर वॉज कबड्डी बींग प्लेड बाय हर क्या कबड्डी उसके द्वारा खेली जा रही थी क्या कबड्डी उसके द्वारा खेली जा रही थी नेक्स्ट सेंटेंस कॉलिंग मी वर यू कॉलिंग मी क्या आप मुझे बुला रहे थे इसको किस तरह से बनाएंगे ऑब्जेक्ट इसमें object क्या है मी, मी किसमें चेंज होगा मी भी चेंज होगा में, चेंज होगा में में तो यहां पर साथ क्या लगेगा वॉज लगेगा, तो लगा दिए और सेकेंड नंबर में राइट करेंगे आई वोज आई उसके बाद थर्ड नंबर में बींग राइट करेंगे वॉज आई बींग क्या बुलाना को क्या टेल टेलिंग का भीतरी क्या होगा टोल्ड वॉज आई बींग टोल्ड उसके बाद क्या किसके तो आपके द्वारा आप यू किस में चेंज होगा बाई यू में चेंज होगा तो सेंटेंस हमारा पैसिव का इजीली से डन हो चुका है वॉच आई बीइंग टोल्ड बाई यू वॉच आई बींग टोल्ड बायू क्या मुझे आपके द्वारा बुलाया जा रहा था हल well, फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपको ये वीडियो कैसी लगी यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए दबा दीजिए ही दीजिए साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक icon दिख रहा होगा उसको दवा दीजिए ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइप पर मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स